बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे 24 जून से लेकर 30 जून के हवाले से, 2024 के हवाले से पैसे का बड़ा राज, इस हफ्ते खजाने लुटाए गए, इस हवाले से हम बात करेंगे। इन बुरुज की होगी बल्ले बल्ले, ऑल 12 जोडिक साइन के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तमाम बुरुज की जिंदगी में कुछ न कुछ नया होने जा रहा है इस हफ्ते, बड़ा धमाकेदार हफ्ता ये रहने वाला है। और खास तौर पे जैसे कहा, इन बुरुज की होगी बल्ले बल्ले, नहीं बहुत कुछ अच्छा होता हुआ इन बुरुज को नजर आएगा इस हफ्ते के अंदर। सबसे पहले हम एरीज के हवाले से बात करेंगे, 24 से लेके 30 जून तक क्या कुछ इनकी जिंदगी में हो रहा है इसके हवाले से। एरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो एरीज के फर्स्ट हाउस के अंदर राहु का रहना ये थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट कर सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन का ये डबल माइंडेड कर देना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। इस हफ्ते खासतौर पे मजहब की जरूरत पड़ेगी, मजहब से इंटीग्रेशन होना, यानी मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर यूं कह लें कि वसवसों का होना, वसवसे बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी कैफियत हो सकती हैं तमाम एरीज की। इससे तो दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आते हुए, आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे, यानी काफी हद तक आप अपने राइवल्स को पछाड़ सकोगे, अपने दुश्मनों को पछाड़ सकोगे, लेकिन फिर भी इस तरह के ख्याल का आना या आपके मन का थोड़ा सा वो अशांत होना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत आप अपने आप को बहुत थोड़ा टेंशन में या थोड़े वसवसों से घिरा हुआ अपने आप को पाओगे। अपनी फैमिली की तरफ से कोई बड़ा गिवन, माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई या हस्बैंड या वाइफ की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट मिलता हुआ भी इस हफ्ते आपको, यानी 24 से 30 जून के दरमियान नजर आएगा। के हवाले से अगर हम बात करें तो मालव्य नाम का बड़ा राज जो वीनस यानी शुक्र की वसंतावा आपको नजर आएगा। करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, आपकी तारीफ करना, रिवॉर्ड मिलना, ऐसा भी नजर आएगा। कुछ सोचे समझे बगैर खर्च कर जाना या बिजली का खर्च या यूटिलिटी बिल्स के ऊपर खर्च आना, ऐसा भी पता नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप, एलईडी टीवी, एसी या इस तरह की चीजों पर, गाड़ी पे खर्चा होता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। प्रेम प्यार के हवाले से एरीज के सैड सपाटा करते आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम बात करें टॉरस या बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से, बहुत ही सुकून भरा हफ्ता, यानी सुकून के साथ आप रहोगे इस हफ्ते के अंदर, लेकिन मसला है कि थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में आप जा सकते हो या थोड़ा सा खुद से परेशान होना या गुस्से में बहुत आना, ऐसा हो सकता है। वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन आप थोड़े से गुस्से में या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाओगे या फिर जिद्दी हो जाना, ऐसा देखा जाएगा इस हफ्ते। कुछ ऐसे हालात बनने के, अपने मुल्की हालात या अपने हालात की वजह से थोड़े से परेशान रहोगे, थोड़ा सा परेशान रहना कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, इस तरह की कुछ टेंशन आपको सताएगी। सेहत आपकी जबरदस्त रहने वाली है, बस थोड़ा सा टेंशन या गुस्सा बहुत ज्यादा आपको रहेगा जिसपे कंट्रोल करना पड़ेगा। पैसों के मामला हम बात करें, पैसों के मामला में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यानी पैसे के लेन देन में कोई रुकावट का होना या पैसे ना देना, इस तरह से किसी से लड़ पड़ना, ये भी मामला हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या गाड़ी के ऊपर अच्छा खासा खर्च हो सकता है, यानी कोई भी इस किस्म की चीज का खर्चा आ सकता है ऊपर इस हफ्ते, यानी 24 से 30 जून तक बहुत तारीफ करते हुए नजर आएंगे, यानी आपसे खुश रहेंगे, आपके प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं, यानी करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को तैयार रहिएगा। अगर सेल्स एंड के डिपार्टमेंट में भी तो वहाँ सेल्स का अच्छा करना, क्लाइंट्स का ज्यादा बनाना या काम अच्छा करना, ऐसा कुछ देखा जाएगा। अपने जानने वाले, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने दोस्तों के साथ घूम फिरने अचानक से प्लान बने, इसका एग्जीक्यूट होना मुमकिन होगा। इस हफ्ते आपके पार्टनर की तरफ थोड़ी खराब रह सकती है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह इनको रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे जेमिनी के हवाले से, 24 से 30 जून तक क्या कुछ होने वाला है। जेमिनी इस हफ्ते मजहब से काफी करीब रहेंगे, फराही काम करना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, इस तरह का देखा जाएगा। इसके अलावा बुध की अगर हम बात करें, मर्क्यूरी, इसकी वजह से एक बड़ा राजयोग बनेगा, बुध या राजयोग जो भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। अपने काम के हवाले से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, इवन आपके कारोबार में भी इस तरह का कुछ होता नजर आ सकता है। की मेहनत की वजह से कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या कोई फंसा हुआ धन, कोई पेमेंट नहीं हो पा रही थी, उस पेमेंट का रिलीज होना, इस तरह भी बन सकता है। वीकेंड्स पे घूमना फिर जेमिनी इसका होगा, घूमना फिरना, सैर सपाटा वगैरह चलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करके उससे भरपूर फायदा उठा सकते, कोई रिनोवेशन कराना, कोई जमीन बेचना या कोई फ्लैट खरीदना, कुछ भी पड़े रियल से काम करवाते हुए नजर आओगे इस हफ्ते। जेमिनी को अपनी फैमिली की तरफ से, इवन अपने वालदैन की तरफ से, माँ बाप की तरफ से या भाई बहनों या रिश्तेदारों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलते हुए भी नजर आ सकती है। रीडिंग से बात करें तो थोड़ी सी तू-तू मैं या अनबन की कैफियत जेमिनी इसको फेस करना पड़ सकती है, गुस्सा दोनों तरफ से रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर ये मामला थोड़ा बिगाड़ेगा। पार्टनर की तरक्की होना, पार्टनर को फायदा मिलने कारोबार में अपनी, जो ऐसा भी देखा जाता है, कोई बड़ी खुशखबरी सुनाता हुआ आपका पार्टनर आपको नजर आएगा। अब अगर हम कर्क राशि कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें तो 24-30 जून कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपके विल पावर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बेतहाशा इजाफा होने वाला है, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके
फैसलों का टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड होना बड़ा फायदा आपको अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। भरपूर फायदा आते हैं आप लोग देखोगे। फैमिली के साथ या हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई रिलीजियस टूर का यानी रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं। अपनी पढ़ाई के हवाले से कुछ अच्छा करते हुए अच्छा आपका मन लगना पढ़ाई के अंदर, या यूं कह लें कि आपका लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना या आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना और अच्छा मेहनत करके अच्छे रेट्स या यूं कह के अच्छे मार्क्स लेके आना ऐसा पॉसिबल बनेगा। कुछ नया सीखते हुए कोई नया टैलेंट हासिल करते हुए भी आप लोग नजर आ सकते हो। आप काम करने की जगह रहने की जगह चेंज होने के बड़े चांसेस हैं, यानी या तो आपका ट्रांसफर हो सकता है या जगह चेंज करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, वैसे आपका रिलेशन आपका पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा। अब अगर हम बब्बर शेरो यानी कि लियो बुर्ज असर के हवाले से बात करें तो इनका कोई रुका हुआ काम बनता है, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग की वजह से इनका काम बनता हुआ इनका आएगा। कोई रुका हुआ काम है या कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर या कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा, यानी आपको कोई बड़ा फायदा मिलना या आपके कारोबार में भी हो सकता है, आपकी जॉब में भी हो सकता है कि बड़ी डील, बड़ा ऑफर आपको मिलता नजर आए। इस हफ्ते अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई शॉपिंग करते हुए भी आप लोग नजर आएंगे। किसी पार्टी, किसी फंक्शन, कहीं ओकेजन वगैरह में हिस्सा लेने, यानी कोई गजल महफिल हो सकती है, कोई शादी का ओकेजन हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ जाते हुए लियोस नजर आ सकते हैं। और करियर के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनोगे, अच्छा कुछ होते हुए कोई बड़ी डील ऑफर मिलना और आपका तरक्की भी करना मुमकिन बनता नजर आएगा। इसके अलावा आपके हस्बैंड के रिलेशंस के अंदर आपका पार्टनर आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाला है। अब अगर हम कन्याशी यानी कि विरो बुर्ज संभला के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा 24 से 30 जून? मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मीडिया में काम करते हैं या फिर मतलब ड्रामा आर्टिस्ट हैं या एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या किसी भी शो बेस वगैरह से जुड़े, उनको भी भरपूर फायदा होना, और प्लस ये टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट हैं या जर्नलिस्ट वगैरह हैं, इनको भरपूर फायदा होते हुए नजर आएगा। और जितने भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बोलने चालने का काम है, उनको भी भरपूर फायदा होते हुए विरगोस को नजर आएगा। इसके अलावा कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ भी आपको नजर आएगा, जिससे भरपूर फायदा विरगोस उठाएंगे। कोई नए टैलेंट की तलाश में रहोगे, कुछ ना सीखते हुए अपनी जॉब के हवाले से सीखते हुए, जो प्रोग्रेस करने में आपको बड़ी मदद देगा। अपने वालदैन के हवाले से बड़ी न्यूज या ट्रैवल के हवाले से या उनके सफर के हवाले से कुछ खबर आप सुन सकते हो। आपके कई रुके हुए काम इस हफ्ते बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपके पार्टनर को एसिडिटी, मोशन या कॉन्स्टिपेशन वगैरह या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत वगैरह सकती हैं। इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का योग भी बनेगा या शॉपिंग करते हुए भी आप लोग नजर आ सकते हो। अब अगर हम बात करें तुला राशि यानी लिब्रा बुर्ज मीजान के हवाले से 24 से 30 जून क्या कुछ होने वाला है। काम जल्दबाजी करने के चक्कर में यानी जल्दी में कुछ काम निपटाने जाओगे जो खराब भी हो सकते हैं, बहुत होशियारी से काम करना है क्योंकि ये मामला बिगाड़ने की तरफ जाएगा। थोड़ा सा टेंशन में, डिप्रेशन में भी रह सकते हो। फ्यूचर को सोच कर कुछ परेशानी, ओवर थिंकिंग करते नजर आओगे। मल्टीटास्किंग करना इस दफा भारी पड़ेगा, कई काम एक साथ करना, एक साथ निभाना, ये लिब्राज के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। आपके कई हवाले, कारोबार के हवाले से, जमीन जायदाद के हवाले से, ऑनलाइन काम के हवाले से, पैसे के तमाम जरायों के हवाले से कुछ ना कुछ काम बनते हुए आपको नजर। आपके दोस्तों के साथ कहीं जाना यानी कोई पार्टी में, कोई गजल महफिल में, इस तरह के कोई ओकेजन वगैरह में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में काफी बेहतरी नजर आएगी, माजी में जो लड़ाई झगड़े वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कोई ऑपोजिट सेक्स है उससे आपको कोई भी तारीफ सुन, अगर आप मर्द हैं तो कोई खवातीन से, कोई खातून है तो मर्द से आपको बड़ी तारीफ सुनते हुए भी नजर आएंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस का कैसा रहेगा 24 से 30 जून का ये हफ्ता। एक चीज आप तमाम सब्सक्राइबर को बता दें, क्योंकि मेडिटेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि मैं काफी रेगुलर हूँ, 4 बंदगी का वक्त है उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और मेडिटेशन के अंदर उन हमारे सब्सक्राइबर के लिए दुआ भी करता हूँ जो मुश्किलात में, तकालीफ में आप में से कोई भी दुआ करवाना चाहता हो बगैर किसी फीस के, बगैर किसी रेट के, कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम और अपनी तकलीफ आप बता दें, इंशाल्लाह बंदगी के अंदर, खासतौर पर जो मेडिटेशन के अंदर आप तब के लिए दुआ करूंगा, लेकिन इसका कोई फीस आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बस आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी अगर इस दुआ से कुछ कबूलियत हो जाती है ऐसे ऐसे मुबारक टाइम के अंदर, यानी जब कॉस्मिक रेस अपने रुज पे है और हर चीज यानी कि आप अपना पूरा टाइम दे के जो है वो अपनी तलाश के अंदर निकल पड़ते हो, तो उसके अंदर कामयाबी भी मिला और आपकी दुआओं को यानी आप जो चाहते हैं वैसा कबूलियत की घड़ी हो और आपको उसका फायदा हो, तो इससे ऊपर क्या हो सकता है। प्रोसेस कुछ इस तरह रहेगा कि कमेंट्स में आप जो अपना नाम लिखोगे, अपनी परेशानी लिखोगे, जैसे लेट सपोज मेरा नाम मुबारक अली है और मैं औलाद की वजह से परेशान हूँ, पिछले 7 साल से मेरी औलाद नहीं हुई, मैं औलाद की ख्वाहिश रखता हूँ, चाहता हूँ मेरी बेटा हो या बेटी हो या जो भी इस तरह का, या मेरे दुकान का मसला चल रहा है, दुकान हाथ से जाती नजर आ रही है, उसके लिए कुछ दुआ करवाना चाहता हूँ, या फिर आप कोई और प्रॉब्लम है, कोई हस्बैंड के रिलेशन के अंदर आप परेशान हो के कई सालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और बात अब सेपरेशन तक पहुंच गई लेकिन आप नहीं चाहते हो सेपरेशन, दुआ किया जा सकता है, यानी इबादत के अंदर जो दुआ मांगी जाती है वो कबूलियत की तरफ लेके जाती है इंशाल्लाह, और यकीनन आप लोगों को
मैं चाहूंगा कि आपको फायदा हो, आप भी दिल से उस चीज को करें और अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, नाम और परेशानी जरूर लिखिएगा क्या परेशानी है। इंशाल्लाह उस चीज को मैं इतने गौर से देखूंगा कि वो आपका नाम मेरे दिमाग में छप जाएगा, वो परेशानी मेरे दिमाग में छप जाएगी और जब मैं बैठूंगा मेडिटेशन के लिए तो इंशाल्लाह आपको भी यकीनन उसका फायदा मिलेगा। और स्कॉर्पियंस के हवाले से चूंकि हम कर रहे हैं, काफी बिजी रहेंगे, काफी मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड बहुत रहेगा। अगर कई बात करें तो वर्कलोड बहुत रहेगा, कारोबार में काम बहुत रहेगा, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे, यानी बहुत बिजी भी रहेंगे और अच्छा पैसा कमाते हुए भी स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। करीब काल से अच्छी खबरें और भी सुनने वाली, यानी कि आपके बॉसेस का आपसे खुश रहना और आपके काम को वक्त पे कंप्लीट करना और तरक्की करना ये भी मुमकिन बनता हुआ आपको नजर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, इन्वेस्ट करते आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हो इस हफ्ते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ध्यान से सोच विचार के बाद इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, किसी भी तरफ से कोई औलाद की या कोई शादी ब्याह वाले से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा कोई रिलीजियस टूर का होना, जैसे हज और उमरा है, या आपके मजहब में जो भी इस किस्म के ट्रेवल्स है वो करते हुए आप नजर आ सकते हो। आपके पार्टनर के साथ अच्छी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपका पार्टनर थोड़ा बिजी रहेगा, काफी बिजी शेड्यूल रहेगा उनका इस दफा। अब अगर हम सिटेरियस हवाले से बात करें तो थोड़ा पीसफुल किस्म का, यानी कि बहुत इत्मीनान वाला ये टाइम रहेगा। इस हफ्ता बड़े सुकून के साथ रहने के काबिल आप रह सकोगे, लेकिन एक चीज इसको खत्म करेगी, वो आपका गुस्सा होगा। आपका गुस्सा इतना चढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि ये शांति, ये सुकून खत्म होता नजर आएगा। लड़ते बढ़ते दूसरे से लड़ना झगड़ना या टॉन्ट करना या फिर कुछ ऐसा बनेगा कि आपको बहुत एग्रेसिव होना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी हो जाना, ये मामला तो थोड़ा बिगाड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। क्या वह कोई क्रोनिक डिजीज है, हार्ट के प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना या लीवर के किडनी के प्रॉब्लम भी रह सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल रख के पानी का ज्यादा इस्तेमाल और बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन अपने ऊपर सवार ना करना सेजिटेरियंस के लिए अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली का कोई भी, इवन आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर, चाचा मामू ताया वालिद वालदा कोई भी, इनकी तबीयत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना या दवाओं पे खर्च होना ऐसा भी नजर आ रहा है। आपके हवाले से बात करें तो आपके अंडर में जो काम करते हैं आपकी मर्जी के खिलाफ काम करेंगे जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जिसको आप पसंद ना करते हुए भी करने पे मजबूर हो जाएंगे। अपनी औलाद की, छोटी और बड़ी औलाद की सेहत के हवाले से थोड़े से परेशान इस हफ्ते सेजिटेरियंस रहेंगे। इसके अलावा अंदरूनी शहर और शहर का सफर भी आपका हो सकता है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से नॉर्मल है, इतना इश्यूज नहीं होगा, थोड़ा गर्मा गर्मी रहेगी लेकिन फिर मोहब्बत भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। अगर हम कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें, 24 से 30 क्या रहने, तमाम जरिए से पैसों का आना सोर्स या आपके करियर में आपकी तरक्की होना, आपके सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपके जमीन जायदाद के मामले का हल होना या जमीन जायदाद से अच्छा पैसा आना, ऑनलाइन तरीके से पैसा आने, हर तरीके से पैसा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। बुध यानी मर्क्यूरी की तरफ से बुध आदित्य राजयोग और शनि का जो वक्री होना, इसका फायदा भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। भरपूर तरीके से फायदे समेटते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। कोई करियर के हवाले से या कारोबार के हवाले से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, जो रुके हुए काम थे वो बनते हुए और बिगड़े हुए काम भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। अपने कुल्स के साथ, ऑफिस मेंबर्स के साथ कोई पार्टी में जाना या आपके हक में कोई पार्टी लॉन्च करना, इस तरह भी नजर आ रहा है। कैप्रिकॉर्नियंस की वजह से थोड़े परेशान रहेंगे, उनके के मसले, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर दर्द, माइग्रेन, इसके प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। कोई फलाही काम करते हुए नजर आओगे, अच्छे काम करते हुए नजर आओगे, लोगों के काम आना, उनको मशवरा देना, इस तरह भी कुछ नजर आएगा। इस हफ्ते आपका पार्टनर कोई बड़ी खुशखबरी या पार्टनर आपको कोई बड़ी खुशखबरी अपने कारोबार अपने करियर के हवाले से सुना सकता है। बिजी रहेगा, बहुत ज्यादा वर्कलोड उस पे रहेगा, मिलना जुलना थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा बिजी आपका पार्टनर नजर आएगा। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें, 24 से 30 जून कैसा रहेगा, वालदा या वालिद की तबीयत के हवाले से थोड़े से परेशान इस हफ्ते रहोगे। इस हफ्ते गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रहना, जिद्दी बहुत ज्यादा होना, मूड स्विंग का बहुत होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, इस तरह के कुछ मामला एक्वेरियस को फेस करने पड़ सकते हैं। करियर के हवाले से बड़ा अच्छा रहेगा, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, बॉसेस का आपसे खुश रहना, आपके प्रमोशंस का योग बनना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग इस हफ्ते नजर आओगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अपने जूनियर या अपने से छोटे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी काम को लेके कुछ मन मिटाव का हो जाना या कुछ ऐसा अनबन सा हो जाना नजर आएगा। इस हफ्ते कोई गजल महफिल, कोई पार्टी या इस तरह के कोई ओकेजन वगैरह को सेलिब्रेट करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें तो आपके पार्टनर को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह की शिकायत रह सकती है, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत भी रह सकती है। करें पाइसिस के हवाले से, मीन राशि के हवाले से, बुरजहूत के हवाले से 24 से 30 जून कैसा रहने वाला है। पाइसिस के लिए मेंटल पीस अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्सा बहुत ऊपर रहेगा। गुस्से की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, किसी से लड़ पड़ना या आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा होना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाओगे और प्लस ये कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना,
और जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना मामला को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। कुछ काम इस दफा जल्दबाजी में करने जाओगे जिसकी वजह से गलत काम कर जाओगे या जल्दी में कुछ गलत हो जाएगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हो, इसका ख्याल रखना है। आप ही मल्टीटास्किंग से बचना है, मल्टीटास्किंग से बचोगे, एक साथ बहुत सारे काम करने से बचोगे तो ही जाके आप कामयाब रहोगे। मेहमान के ठहरने के चांसेस बढ़ेंगे, कोई मेहमान का आना, उसके आवभगत में लग जाओगे या इस तरह कुछ हो सकता है, कोई ना कोई रहने आपके घर आ सकता है। पाइसेंस के बॉसेस के साथ या अपने हायर ऑफिशियल के साथ कोई लड़ाई या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो सकता है, इसे थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार को लेके अपने हस्बैंड के रिलेशन में कुछ खट मिट हो सकता है, यूं कह लें कि कुछ अनबन की कैफियत हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वीकेंड में आप घूमते फिरते सैर सपाटा करते शॉपिंग करते हुए भी अपने पार्टनर के साथ नजर आओगे। इस हफ्ते अपने वालदेन में से किसी की तबीयत खराब होना या फैमिली मेंबर में किसी की तबीयत खराब होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, चेकअप होना, इस पर दवाओं पे खर्चा होना, ऐसा कुछ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।